सुवासरा क्षेत्र के गांव बसई में प्रगति बचाओ सांस्कृतिक बचाओ के महाकार्यक्रम में आयोजित के तहत महाकुंभ 2021 के तहत कार्यक्रम में चंबल नदी को मालवा की पवित्र गंगा माँ का दर्जा दिलाने की चंबल नदी पर भव्य हनुमान चालीसा का प्रोग्राम चुनरी यात्रा चंबल नदी को गंगा का दर्जा का कार्यक्रम में कामाख्या पीठ के शीशी 1008 श्री मधुसूदन शास्त्री जी का संकल्प था कि चंबल नदी में 99 नदी समाई है और जब से चंबल नदी में पवित्र नर्मदा का जल छोड़ा गया तब से चंबल नदी 100 नदियों में सम्मिलित हो गई है, जिसको लेकर चंबल नदी को मालवा की पवित्र गंगा मैया दर्जा दिलाया गया। मधुसूदन शास्त्री जी के नेतृत्व में कार्यक्रम को लेकर, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामानंद सागर के रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण जी गोविल और साथ में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद सुधीर गुप्ता, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, जिला अध्यक्ष नाना लाल जाटोलिया आदि लोगों का विशेष अतिथि उपस्थित रहे। जब भी विकास हुआ है तो नदियों के पास यार भाई बनारस की बात करें, चाहे कलकत्ते की बात करें, चाहे इंदौर की बात करें, चाहे निवार की बात करें, चाहे की बात करें, जब भी मानव का बादल ज़्यादा बरसते हैं जिससे कि हमेशा नदी में बारहमासी पानी रहे। सर नवजोत सिंह सिंधु का यह कहना है कि अगर पंजाब कांग्रेस में उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे, क्या लगता है? देखिए, ये कांग्रेस का बिल्कुल आंतरिक मामला और कांग्रेस के संस्कार भी यही है कि वहाँ ईंट से ईंट बजाने की ही बात की जाती है और इसीलिए आज वह कांग्रेस जिसने लगातार सदियों तक इस देश पर राज किया वह कांग्रेस छोटी होती जा रही है। नेतृत्व के ऊपर जनता को विश्वास नहीं है और जहां सरकार है वहां पर अस्थिरता, जहां पर भी सरकार है, छत्तीसगढ़ में भागदौड़ हो रही है, पंजाब में भागदौड़ हो रही है, कुल मिलाकर कांग्रेस के पास अभी नेतृत्व जो है उसके प्रति न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास है न जनता का।